मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए आपने ये 8 लाइनें याद रखनी है। नंबर 1, ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। नंबर 2, ही टोल्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 3, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हॉरिजेंटल रॉज वर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स वर कॉल्ड ग्रुप्स। नंबर 4, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी बेटा, कि मेंडलीव इतना बड़ा वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने ये माना कि आज मेरे को कुछ एलिमेंट्स का नहीं पता और उसने उस बॉक्स के अंदर लिख दिया एक्का, EKKA, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद अगर वो ये कह पा रहा है कि ये मेरे को नहीं आता, तो ये उसकी एक जीनियस होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इसको जरूर याद रखना। आई रिपीट, गैप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ हिज जीनियस। अब उसकी पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां रही, वो क्या क्या रही है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मेंडलीव ने एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन को सही ढंग से नहीं बताया, दूसरा आइसोटोप की पोजीशन कोई खास ढंग से मेंडलीव नहीं बता पाए, तीसरा जो है मेंडलीव जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास कम था उनको आगे रख दिया, कुछ का एटॉमिक मास ज्यादा था उनको पीछे रख दिया। बस इतनी सी कमियां थी, अदरवाइज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज ए सुपर वन। थैंक यू।